और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं हैप्पी वॉरियर्स टीम से हूँ, ठीक है। आज मैं आपको एक हाई वेस्ट अल्ट्रा बॉस का एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से ये काम करता है इसकी इसमें और इसमें क्या क्वालिटी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी ने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है अल्ट्रा बॉस, ये लिक्विड डिटर्जेंट सिस्टम है जो कि सर्फ एक्सल से बहुत ही आगे और बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और सबसे इसकी खास बात यह है कि आज तक हम लोग सर्फ से क्या होते हैं, कपड़े को सिर्फ धोते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट से हम लोग कपड़े को प्री ट्रीट भी करेंगे। प्री ट्रीट टेक्नोलॉजी एक और होती है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे कॉलर पे या फिर कफ पे बहुत सारे दाग लग जाते हैं, तो एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे मैंने पेन का डॉट पेन का यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। इसको प्री ट्रीट कैसे करते हैं, ये प्री ट्रीट सिस्टम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर जहाँ पे गाढ़े दाग धब्बे लग जाते हैं, जैसे हम लोग शादी में कहीं जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे कपड़े पे खाना गिर जाता है, हमारे कपड़े पे क्या होता है, दाग लग जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग तुरंत रात में आके धो नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें से हम लोग लिक्विड लेंगे हम लोग, ठीक है, और जहाँ ज़्यादा दाग या गंदगी लगती है उस पर हम लोग थोड़ा सा इसको लगा देंगे, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग प्री ट्रीट बोलते हैं। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ लिक्विड डिटर्जेंट में होती है जो कि सर्फ में नहीं होती है, और सर्फ से ऐसा करेंगे, अगर सर्फ को इसमें लगा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, प्लस कपड़े के कलर को वह उड़ा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आप सफ़ेद कपड़े में लगाइए या फिर किसी भी रंगीन कपड़े में लगाते हैं तो ये कपड़े के कलर को उड़ाता नहीं है, और इसको लगाए कम से कम आधे घंटे तक छोड़ना है, आधे घंटे में आपका काम करता है ये, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट का एक और प्रोडक्ट आता है दाग छुड़ाने के लिए जिसका नाम है एक्स ब्रांड हो तो उसका नाम है आला नाम है, ठीक है, वो सिर्फ आप लोग सफ़ेद कपड़े में लगा सकते हैं, रंगीन कपड़े में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर उसको रंगीन कपड़े में लगाएंगे तो क्या होगा, वो कपड़े के कलर को उड़ा देगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसको लगा के आप एक हफ्ता भी रख देंगे ना तो कपड़े पे कोई नुकसान नहीं होगा, ये इसको आप लगा के एक हफ्ते भी रख सकते हैं, कपड़े पे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और इसको मैं एक गिलास में इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, ये प्रोडक्ट बिल्कुल कास्टिक फ्री है, केमिकल फ्री है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे केमिकल फ्री है, कैसे इसमें केमिकल नहीं है, ठीक है। एक मार्केट का बहुत अच्छा ब्रांड है, लीडिंग ब्रांड है, एक्स ब्रांड है ये, ठीक है, ठीक है, ये मार्केट का सबसे बेस्ट ब्रांड है आज की डेट में, अगर सबसे ज़्यादा लोग इसको एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि इससे भी बढ़िया कैसे हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है, ठीक है। बहुत से लोगों ने गौर किया होगा, लेडीज़ ने गौर किया होगा, जब इस प्रोडक्ट को हम लोग हाथ में लेते हैं और पानी में जब से अंदर डालते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर केमिकल्स है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि इसमें कैसे केमिकल नहीं है, ठीक है। ये मार्केट का प्रोडक्ट हमने डाल दिया इसमें, ठीक है, और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इसमें हमने थोड़ा सा ऑलरेडी पहले डाला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और मैं डाल दूंगा, ठीक है। एक चम्मच इससे मिलाएंगे, एक चम्मच और मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेन वाटर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दोनों गिलास हमने रख दिया है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नज़दीक लाइए, इसमें देखिए पानी की शाइनिंग थोड़ी सी हल्की सी बढ़ गई है, ब्लू ब्लू हो गया है, और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल पानी है, यहाँ पे हल्का सा पानी की ब्लू हो गई है, जिससे ये पता चलता है इसके अंदर फ्लोरोसेंट एजेंट पड़ा हुआ है, जो क्या करता है कि हमारे कपड़े की चमक को बना के रखता है, हमारे कपड़े को ज़्यादा दिन तक नया बना के रखता है। क्योंकि अगर हम इससे कपड़ा अगर धोते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से तो क्या होगा, हमारा कपड़ा बहुत जल्दी पुराना हो जाता है, बहुत जल्दी उसके रेशे ख़राब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत जल्दी वो पुराना दिखने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे कपड़े को ज़्यादा दिन तक नया भी बना के रख सकता है, ठीक है। अब उसको ऐसे देखिए, इसको घोलने के बाद इसमें कुछ दिख रहा है क्या, इसके अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ भी नहीं, नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन इसको कितना भी घोल लें, मार्केट के प्रोडक्ट को घोलते रहेंगे, घोलते रहेंगे, घोलते रहेंगे, रात भर भी घोलेंगे तब भी ये घुलने वाले नहीं। इसके नीचे देखिए कुछ ना कुछ इसके नीचे पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे कुछ ना कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं, जो क्या होता है केमिकल होते हैं, कास्टिक होते हैं। कंपनी ने इसके अंदर इंडस्ट्रियल फिलर डाला है ताकि ये कपड़े को साफ तो नहीं करता है लेकिन पाउडर के भार को बढ़ाता है। अगर आप 1 किलो लेंगे तो कम से कम 100 ग्राम या पाव भर इसके अंदर वेट बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल फिलर कंपनी डालती है, जो कि पाउडर का सिर्फ वेट बढ़ाता है, उसका सफाई से कोई वास्ता नहीं है। रात भर भी अब इसको आप पानी में रखेंगे तब भी नहीं घुलने वाला। ये क्या होता है कि जब कपड़ा धोने बाद कपड़े का पानी बहाते हैं तो ये पानी के साथ बह जाता है और हमारे नालियों में जाता है, ठीक है, नालियों में बह जाता है। यानी आप जो पैसा दे रहे हैं सर्फ खरीदने के लिए वो पैसे की पूरी वसूल नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा 100% हमारा लिक्विड है पानी में घुल गया। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, इसमें झाग बहुत ज़्यादा बनता है,
ठीक है, और इसमें झाग बहुत कम बनता है, जिसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि झाग जब कम बनेगा तो कपड़ा धोओगे, जब कपड़े को खंगालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 2 बार ही पानी को खंगालेंगे, कपड़े को खंगालेंगे तो सारा झाग निकल जाएगा, और यहाँ पे कम से कम 3 से 4 5 बार भी खंगाल रहे तो पूरी तरीके से झाग नहीं निकलता मतलब है, पानी की बचत भी है पानी की बढ़िया। बचत होगी, दूसरा मेहनत की बचत होगी, तीसरा टाइम भी बचेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है, इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कास्टिक नहीं पाया जाता है। तो हमारे पास से एक चीज़ है जिसका नाम है हल्दी, ठीक है। हल्दी क्या करता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, किसी भी अगर सब्जी में डालते हैं तो क्या होता है, सब्जी के कलर को ये पीला कर देता है, दाल भी डालते हैं तो दाल के कलर को पीला कर देता है, लेकिन अगर इसको चूने में डालेंगे तो क्या होगा, चूना हमारा लाल हो जाएगा, केमिकल इन्फेक्शन तुरंत करता है, जी उसको केमिकल बोलते हैं रिएक्शन। क्षारीय प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। जब किसी भी केमिकल के संपर्क में आएगा तो वो क्या होगा, लाल अपने कलर को चेंज करता है, ठीक है। तो हमने हल्दी को अपने अपने हाईवेस्ट में डाल दिया, दूसरा हमने मार्केट का प्रोडक्ट वहां पे डाला, ठीक है, दोनों मिलाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि हल्दी का कलर नेचुरल कलर कौन सा है, यहाँ पे हल्दी कलर है और यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए केमिकल रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये लाल हो गया, ठीक है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें, ठीक है, अब आप साफ साफ देख सकते हैं, थोड़ा सा और इसमें डालते हैं, देखिए और ज़्यादा ये लाल हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी हल्दी डालेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए जो हल्दी का नेचुरल कलर था वो यहाँ पे आपके सामने है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये पूरा एकदम लाल हो गया। अब आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी वो पार्टिकल है वो ऐसे घुले नहीं है, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, देखिए इनका सफाई से कोई वास्ता नहीं, जितना घुलना था वो घुल गया, ठीक है, और यहाँ पे बाकी पड़ा, ये सारा क्या होगा, पानी के साथ खंगालने के बाद सारा निकल जाएगा, या फिर क्या होता है, हमारे कपड़े जो होते हैं ना ऐसे रेशेदार होते हैं, ठीक है, कपड़े हमारे रेशेदार होते हैं, कपड़ों के रेशों में जाके ये कहीं कहीं फंस जाता है, और अगर हम इस कपड़े को पहनते हैं तो हमारे बॉडी में क्या करता है, इचिंग भी पैदा कर सकता है, खुजली भी पैदा कर, और तमाम सारी स्किन डिजीज भी ये पैदा कर सकता है हमारे शरीर में। अगर सोचिए अगर ये कपड़े में हमारा सही से खंगाल खला साफ नहीं होता है, अगर फंस जाता है तो क्या हो सकता है, तो एक तरह से हमारे ये डॉक्टर के पास भी पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना नेचुरल है, कितने नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर अब आगे मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा प्रोडक्ट यह क्या करता है, प्रोडक्ट हमारा क्या करता है कि प्रीट्रीट भी करता है, कैसे साफ करना है, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी लग जाती है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको हम ऐसे मल लेंगे, हम लोग यहाँ पे हल्का सा हाथ से रब करेंगे तो सारे दाग को छुड़ा देगा बिल्कुल, और हमें यहाँ पे ब्रश लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी में इसे गीला कर लेंगे, ठीक है, ये पूरी तरीके से साफ हो गया है, ठीक है। इसको इस पानी में डाल के इसको देखिए, इसके पेन के दाग को इसने पूरा साफ कर दिया, देखिए पेन का दाग कहीं रह गया क्या, नहीं रह गया ना। तो ये हमारे काम को भी देखिए कितनी आसानी से ये साफ कितने हमारे दाग को भी साफ कर दे, हमारे काम को कितना आसान करता है। तो क्या आप लोग देख सक आपको आप लोग अभी तक पता चल गया होगा कि हमारा प्रोडक्ट कितने अच्छे तरीके से काम करता है और कितनी जल्दी हमारे गंदगी को साफ करता है, ठीक है। तो ये हमारा हाईवेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो मैं उम्मीद ही करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।